का वेलकम। और जो आज का जो एजेंडा है हमारा, जैसे आप जानते हैं कि 23 को हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ आर्चपुरा में एक वर्किंग मीटिंग रखी गई थी, यानी वर्कर कन्वेंशन रखी गई थी 23 को, और उस दिन मौसम खराबी की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया है। अब जो नेक्स्ट डेट जो रखी है वो 27th ऑफ दिस मंथ 27 फरवरी को रखी गई है, दिन उस दिन एतवार है। इसलिए आपको मैंने तकलीफ दी थी कि पहले भी आपने इसको पेपर वगैरह में दिया था, हाईलाइट किया था कि 23 को जो है मीटिंग होने जा रही है हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें हनबल हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अमित साहब और रमन भल्ला जी वो भी आ रहे थे। तो इसी संबंध में मैंने आपको आज यहाँ बुलाया है कि अब जो 23 का प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन करके अब 27 को रखा गया, इसी महीने की 27 तारीख को रखा गया है। तो आज इसी संबंध में हमने एक वर्कर मीटिंग बुलाई थी और वो लगभग 100 के करीब हमारे यहाँ वर्कर था, और उनको सबको हमने मैसेज दे दिया। और जो नहीं पहुँच सके, जिनको इस चीज़ का नहीं पता लगा, तो मैं चाहता था कि आपके माध्यम से मीडिया से, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रेस मीडिया के माध्यम से उन तक भी ये खबर पहुँचाई जाए कि वो अब जो प्रोग्राम है वो 27 को होने जा रहा है, इसी महीने के 27 को होने जा रहा है। यही आज का मेन विषय था आपके सामने। लोगों का अपील करते हैं? नहीं, वो तो जो इस वक्त जो बर्निंग इशू है हमारे, खासकर जम्मू कश्मीर और पूरे देश में इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है, वो तो इसीलिए तो वर्कर मीटिंग हमने बुलाई है, वर्कर कन्वेंशन रखी है एक दिन की, 27 को रखी थी, इसीलिए कि अब जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आपने देखा यहाँ रेत माफिया चल रहा है, बहुत जोर शोर से चल रहा है, रेत माफिया चल रहा है, जो एक ट्राली जो हमारे किसान को या किसी को जिसने मकान बनाना होता था वो 1200-1300 की मिलती थी, आज वही 4000 की मिल रही है। इसी तरह पत्थर, बजरी और रेता सब के रेट जो है 4000 के करीब ट्राली के हो गए। एक दूसरा यहाँ बाहर से सारा तमाम जो है माफिया आ गया, रेत माफिया आ गया है, शराब माफिया आ गया है, ज़मीन माफिया आ गया है, बाहर से बड़े बड़े जो है वो ठेकेदार जो है उनके जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का वो आ गए हैं। तो इससे हमारे जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है परेशान, एक दो हमारे जम्मू कश्मीर का जो नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान है, दूसरा किसान भी परेशान है, यानी इस वक्त ऐसे हालात बन गए हमारे जम्मू।